नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारी शक्ति आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक कार्यालय का, आम आदमी पार्टी कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, जिसमें हमारे साथ हमारे प्रदेश के सेक्रेटरी राकेश मंडोत्रा जी मौजूद हैं, हमारे लोकसभा इंचार्ज राज ठाकुर जी, सुरेश जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, जगत जी हैं सोशल मीडिया इंचार्ज, और हमारे पटियाल साहब हमारे मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, और तमाम साथी हमारे धनीराम धीमान जी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मौजूद हैं, और हमारे सारे तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपको एक कार्यालय मिला है आम आदमी पार्टी का, तो आप सबको इस कार्यालय में डेली सुचारू रूप से आकर, और जो यहाँ के क्षेत्र के जितने भी मुद्दे हैं उन सबको इस कार्यालय में आकर उठाना है, और अगर हमारी सरकार यहाँ पे बनती है तो जो भी मुद्दे आप लेकर आएंगे, आप विभिन्न पंचायतों में जाएंगे और जो भी मुद्दे यहाँ पर आपको मिलते हैं, तो हम सरकार से अपनी आम आदमी पार्टी से दरख्वास्त करते हैं कि जो भी मुद्दे यहाँ स्थानीय मुद्दे हम दिन प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं, उन मुद्दों को आगे हमारी सरकार बनते उन पर काम शुरू हो जाएगा, जैसा कि हमने दिल्ली में भी किया है, पंजाब में भी किया है, और यहाँ पर भी हम वही सेम काम करेंगे। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर खुशी का माहौल है, जब जब भी हमारी रथ यात्रा, बदलाव यात्रा किसी भी गांव से, किसी भी मोहल्ले से निकल जाती है, तो वहाँ उन लोगों के मुँह पर एकदम चेहरे पर स्माइल होती है, तो वो स्माइल दर्शाती है कि यहाँ के लोग, हिमाचल के लोग आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, श्री अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करते हैं, और जिस प्रकार के कार्य उन्होंने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, उस तरीके के कार्य यहाँ हिमाचल के लोग भी यहाँ पर करवाना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है, जब हम हमें पता लग जाता है, जब हम कोई सर्वे करते हैं, जाते हैं, तो लोगों के हाव भाव से पता चल जाता है कि वो लोग खुश हैं या ऐसी, उनके रिएक्शन से पता लगता है। तो यहाँ रिएक्शन भरपूर है, लोगों में उत्साह है, यहाँ के स्थानीय जनता में उत्साह है सरकार बनाने का, और मुझे पूरा यकीन है, 100% यकीन है, हमने जिस प्रकार दिल्ली में सरकार बनाई, पंजाब में बनाई, हिमाचल में भी हम सरकार बनाएंगे, और वही अच्छे कार्य जो हम दोनों राज्यों में हमने किए, हिमाचल में भी, हिमाचल की जनता को वही सुख सुविधा यहाँ पर मिलेंगी जो दोनों राज्यों में हुई है, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा व्यवस्था, वर्ल्ड क्लास स्कूल, बस आप देख सकते हो बसों की हालत, मैं देखता हूँ यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बस ख़राब मिलती है। तो दिल्ली और पंजाब में हर पहलू पर कार्य हुआ है, चाहे वो परिवहन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, या चाहे